स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पढ़ाई विद रवि पे। तो आज हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के पावर के बारे में, राष्ट्रपति की सत्या के बारे में पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि राष्ट्रपति के लिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं और राष्ट्रपति के बारे में हम कुछ जो बेसिक्स चीजें हम जान चुके हैं। अब हम जानेंगे राष्ट्रपति के क्या क्या उनके पास पावर है, कितने तरह का पावर है राष्ट्रपति जो यूज करता है। तो आज हम सब कुछ देखने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। एक घंटे का ये क्लास चलेगा हमारा, इसका ऑलरेडी क्लास चल चुका है लाइव क्लास में, लेकिन उस वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आया है बीच में साउंड का, बहुत उसमें बहुत साउंड कम है, इसलिए मैं उस वीडियो को डिलीट कर दिया हूं और मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करके फिर डाला हूं। तो मेरे साथ बने रहिए इस लेक्चर में। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं हम अपना फर्स्ट पॉइंट। देखिए राष्ट्रपति की शक्तियां व कर्तव्य, हम क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर कि राष्ट्रपति के पास कितनी शक्तियां हैं और उनका क्या कर्तव्य है, क्या ड्यूटीज हैं, वो क्या उनका ड्यूटी निभाते हैं अपने वो अपने पीरियड के अंदर, और क्या उनका पावर्स को वो मतलब करते हैं। ठीक है, तो पहला हम पढ़ते हैं कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति मतलब हुआ एग्जीक्यूटिव पावर, इंग्लिश में बोले जाते हो एग्जीक्यूटिव पावर। राष्ट्रपति के पास एग्जीक्यूटिव पावर है, उनके पास कार्यकारी शक्तियां हैं, और कौन कौन से कार्यकारी शक्तियां हैं हम उनकी बात करेंगे। हम फिर देखेंगे विधायी शक्तियां कितने उनके पास, विधायक संख्या मतलब कहने का मतलब लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटिव पावर। ठीक है, हम देखेंगे वित्तीय शक्तियां उनके पास क्या, बिजनेस शक्तियां, इकोनॉमिक पावर उनके पास क्या है, उनके पास जुडिशियल पावर क्या है, उनके पास डिप्लोमेटिक पावर कितने हैं, उनके पास सैन्य शक्तियां क्या है, हम सारे मिलिट्री पावर्स जिनको बोलते हैं हम, तो हम सारे चीज का चर्चा करेंगे आज आज के लेक्चर में। हो सकता है इसमें आज यहां तक ही हो पाए, देखते हैं हम कहां तक चलता है एक घंटे के अंदर। और आपातकालीन शक्ति इमरजेंसी के लगाने का जो प्रावधान है, इसके अंदर क्या चीजें हैं राष्ट्रपति के लिए, हम सब कुछ के चर्चा कर लेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और वीडियो को शेयर करिएगा वीडियो अगर अच्छा आपको लगता है तो, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके, और ये आप जो लक्ष्मीकांत बुक जो पढ़ते हैं उसका एक समझ लीजिए कि उसको मैं पढ़ के उसको मैं थोड़ा सिंपल मेथड में करके सिंपल तरीके से मैं यहाँ समझा रहा हूँ। तो अगर वो बुक पढ़ते हैं तो अगर ये वीडियो देख के बुक पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही फायदा होने वाला, अदरवाइज बुक पढ़ के वीडियो देख लिए तो वही फायदा होने वाला। तो आइए हम अपने सेशन को स्टार्ट करके आगे बढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे पहला स्टार्ट करेंगे कि इनके पास क्या है कार्यकारी शक्तियां, उनके पास एग्जीक्यूटिव पावर। मैं ये तीनों टर्म्स के बारे में बता चुका हूँ कि कार्यकारी क्या होता है, विधायिका क्या होता है, एंड न्यायिक शक्तियां क्या होती है, न्याय तीनों के बारे में बता चुका। तो हम पढ़ेंगे कार्यकारी शक्ति के बारे में। ओके, तो देखिए तो कार्यकारी शक्ति के बारे में पढ़ने से पहले अगर आपने अनुच्छेद 52 देखा, अनुच्छेद 52 क्या बोलता है, मैंने बताया है अनुच्छेद 52 बोलता है सर कि राष्ट्रपति भारत का एक क्या होगा भैया, राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर हमने बोला 53 में बोला है कि उसके पास कुछ पावर होगी, कौन से पावर होगी, तो बोला है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगे। ये अनुच्छेद 53 बोला है कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति, ये संघ की कार्यपालिका यहां देख लीजिए थोड़ा, ठीक है, संघ की जो कार्यपालिका है उनकी शक्ति पूरे पावर राष्ट्रपति के अंदर में है। तो इससे आप तो समझ चुके होंगे, अरे आप लोग बोलिए तो राष्ट्रपति बहुत ज्यादा इनके पास पावर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे अनुच्छेद 74 में बोल दिया गया है, 74 में बोल दिया है कि एक मंत्री परिषद होगा, एक कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, मंत्री परिषद होगा, इसके सहायता से ही, इसकी सलाह पर ही, इसके सलाह पर ही राष्ट्रपति कोई भी जो भी काम है वो करेगा। कहने का मतलब हो गया जब हम इससे सलाह ले ही गए तो फिर राष्ट्रपति के पास तो कहने का मतलब स्वतंत्र रूप से ये पावर है ही नहीं। तो जो राष्ट्रपति है, ये एक सवाल आता है एग्जाम में, जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका के, मैं इनको अलग अलग लिखता हूं, ठीक है, कार्यपालिका जो राष्ट्रपति हमारे हैं ये कार्यपालिका के नाम मात्र प्रधान है। नाम मात्र प्रधान मतलब समझ लीजिए, देखिए ये जो 74 अनुच्छेद है, 75 अनुच्छेद, सारे अनुच्छेद का चर्चा करेंगे तो आपको परेशान नहीं होना। हम आगे जब बढ़ते जाएंगे, जब पढ़ेंगे प्रधानमंत्री तो उसमें चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं उनके पावर के डिस्कस कर रहा हूँ। तो थोड़ा थोड़ा अनुच्छेद में बोलूंगा, अगर आपको समझ में ना आया अनुच्छेद तो आगे अनुच्छेद पढ़ लीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, आगे मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे बस आप ये जानना कि राष्ट्रपति के पास क्या पावर है, उनके पास क्या शक्तियां। तो कार्यपालिका के नाम मात्र प्रधान होते हैं राष्ट्रपति। तो आप ये भी पूछा कि तो फिर मेन
प्रधान को होता है, रियल हेड कौन होता है, मुख्य प्रधान कौन होता है, वास्तविक रियल हेड मतलब वास्तविक प्रधान तो किसी के पास तो होगा ना शक्ति का, कार्यपालिका का, तो वास्तविक प्रधान है भैया हमारे किनके पास, प्रधानमंत्री के पास, किनके पास है, प्रधानमंत्री के, सारे पावर प्रधानमंत्री के पास है। ये समझ लीजिए राष्ट्रपति एक मुहर की तरह है, मतलब इनका बस नाम से सब काम होगा, जितना काम होगा इनके नाम पे होगा, जितना काम होगा इनके नाम पे होगा, देश के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं, जो इंटरनेशनल काम हो या तो फिर देश वाला जो भी काम हो, कहने का मतलब कार्यपालिका के सभी कार्य, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव के जितने वर्क हो गए ये राष्ट्रपति के नाम पे होंगे, ये आप समझ लीजिए। ठीक है, तो कार्यपालिका मैंने बताया था जो कानून को फॉलो करवाते हैं वो कार्यपालिका होते हैं, कानून बनाते हैं वो विधायिका होते हैं, और कानून में कोई दिक्कत होता है तो न्यायपालिका होती है, ये आपको पता होगा। ठीक है, तो कानून और सब कुछ कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव होता है, जो एग्जीक्यूट करता है देश के अंदर जो चल रहा है सब कुछ, वो शासन होता है ना सबके। तो हमने देखा कार्यपालिका के नाम मात्र प्रधान राष्ट्रपति, और प्रधानमंत्री कौन होंगे, वास्तविक प्रधान, प्रधानमंत्री कौन होंगे भैया, वास्तविक प्रधान। ठीक है, तो यहां तक क्लियर होगा। अब हम चलेंगे आगे, देखिए कार्यकारी शक्तियां, मैंने यहां लिखा भारत सरकार के सभी शासन संबंधी कार्य, जो शासन वाले काम है, गवर्निंग वाले जो काम है, ये सब राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं, यहां ये बोला गया, तो आप लोग का यहां पे क्लियर हो चुका है। वह प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा वे उसकी प्रसाद पर्यतः कार्य करते हैं। हम देखेंगे जब प्रधानमंत्री पढ़ेंगे तो हम पता चल, हम बताएंगे आपको कैसे नियुक्ति होता है, किनको ये प्रधानमंत्री बना सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए ज्यादा आपको डीपली यहाँ पे नहीं जाना, क्योंकि मैं इसके बाद में बताऊंगा, अब हर एक चीज को अगर करूंगा तो परेशान हो जाएगा। तो आप इतना समझ लीजिए कि जो हमारे प्रधानमंत्री है इसकी चर्चा कितने अनुच्छेद में बताइए, इसकी चर्चा अनुच्छेद 75 में है कि भारत का प्रधानमंत्री होगा, और मंत्री जो परिषद उसकी चर्चा कितने अनुच्छेद 74 में। ठीक है, ये आप देख, आगे हम सब कुछ बताएंगे, आपको परेशान नहीं होना, ओके, थोड़ा सा परेशान नहीं होना, ओके। चलिए, तो करा कि प्रधानमंत्री और जो अन्य मंत्री सबकी नियुक्ति कौन करते हैं, ये राष्ट्रपति। तो नियुक्ति वाले सवाल एग्जाम में बहुत जबरदस्त रूप से आता है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नियुक्ति तो प्रधानमंत्री का नियुक्ति कौन करेगा। अच्छा, आप कभी इतना सुने हैं, ऐसा कभी आप सुने हैं कि प्रधानमंत्री का इलेक्शन हो रहा, पीएम का इलेक्शन हो रहा, आप पीएम को वोट दिए कभी नहीं। तो देखिए अभी हमारे प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी को आप वोट दिए ये बताइए, नहीं दिए, कि आपने अपने क्षेत्र के एमपी को वोट दिए हैं, अपने क्षेत्र के एमपी को वोट देते हैं। और ये जो प्रधानमंत्री होता है, ये जो कोई पार्टी, ऐसे भाजपा पार्टी होगी, कांग्रेस पार्टी होगी, अगर भाजपा के पास बहुमत है, बहुमत मतलब आप समझ रहे होंगे, मैं आगे बताऊंगा, बहुमत मतलब इसके पास 50% से प्लस एक ज्यादा सीट अगर आ गया इसके पास, जो भी सीट हो जाए 100 सीट होगा, तो 51 सीट और 52 सीट अगर इसके पास आ गया हमारे ये भाजपा के पास, तो ये अपना एक चुनेगी, एक अपना बताए कि हम इसको प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति उसकी क्या कर देगा, अपॉइंट कर देगा, उसकी नियुक्ति कर देगा। तो सीधे सीधे 75 में लिखा गया है कि एक प्रधानमंत्री होगा एंड शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये समझ लीजिए कि नियुक्ति कौन करेगा प्रधानमंत्री का, हमारे राष्ट्रपति, और अन्य मंत्रियों का भी नियुक्ति कौन करेगा भैया, तो हमारे राष्ट्रपति। यहां तक क्लियर होगा, हम आगे चल सकते हैं। चलिए, नियुक्ति वाले सारे चीज ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करता है। चलिए आगे देखेंगे, वह महान न्यायवादी की नियुक्ति करता है। ये महान न्यायवादी कौन सा टर्म है, आपने कभी सुना नहीं होगा, तो मैं बताता हूं, महान न्यायवादी, देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, महान न्यायवादी लिखा गया, चाहे महान न्यायवादी ही सलीस, ठीक है, महान न्यायवादी, महान न्यायवादी होता है, महान नहीं होता, सॉरी मैं भी महान बोल रहा हूं। तो जो महान न्यायवादी होता है, इसको अगर इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, अटॉर्नी जनरल, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो अटॉर्नी जनरल है, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, महान न्यायवादी होते हैं, पहले हम जाने कि इस कौन से अनुच्छेद में बोला गया, तो इसको बोला है अनुच्छेद 76 के अंदर। ये अनुच्छेद 76 के अंदर चर्चा, 75 में देखिए, 74 में मंत्री परिषद है, 75 में प्रधानमंत्री है, और 76 में महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल। ये एक तरह से जैसे कि आप देखते होंगे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो तुम मुख्य न्यायाधीश होता है, ये अटॉर्नी जनरल भी वही है। ये कहने का मतलब ये सलाह देता है हमारे जो भी राष्ट्रपति हैं, ये सबको हमारे सलाह देने के लिए एक महान न्यायवादी, एक वकील टाइप का होता। तो सबसे समझ लीजिए कि सबसे पूरे देश का एक ही महान न्यायवादी होता है, ये ध्यान रखिएगा। और भी और राज्य के अंदर भी होते हैं, मैं बताऊंगा सब कुछ के बारे में। ये महान न्यायवादी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन मैं बताता हूँ
इनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। उनका वेतन भी राष्ट्रपति के अकॉर्डिंग करता है। राष्ट्रपति कितना वेतन उनको सब काम राष्ट्रपति करेगा। महान न्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यतः अपने पद पर कार्य करता है। राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि नहीं इस महान न्यायवादी को हटा दिया जाए गद्दी से तो इसको सीट से हटा देगा। तो प्रसाद पर्यतः मतलब जब तक के राष्ट्रपति का मन हो, ठीक है, जब तक के राष्ट्रपति का मन हो अकॉर्डिंग, मतलब ये हो गया। जैसे कि ऐसा नहीं है कि ये अगर 6 साल 5 साल के लिए इसको बनाएगा तो 5 साल तक रहेगा अपने, जब कोई हटा नहीं सकता, नहीं ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति इसको हटा सकता है। क्लियर। वह भारत के महालेखा नियंत्रक, महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये है सीएजी, कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 148 से 151 के बीच में की गई है। तो कैग का भी नियुक्ति कौन करते हैं? हमारे राष्ट्रपति करते हैं। हम अब देखिए हमारा जो ऑफिस है, हम जहां जॉब करते हैं, ये भी कैग के अंदर में आता है। कैग के अंदर में आते हैं सारे एजी ऑफिस, हर स्टेट के कैपिटल में आपका एजी ऑफिस मिलेगा, राजधानी में एजी ऑफिस मिलेगा, ठीक है। तो इस तरह से कहीं कहीं दो दो एजी ऑफिस मिल जाएंगे जहां जहां बड़े बड़े क्षेत्र होंगे, ठीक है। तो ये एजी ऑफिस जो होते हैं ये भी कैग के अंदर आते हैं। तो जो मेन होते हैं कैग, जो हमारे अभी अभी कौन है, हमारे भारत के महानियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ये कौन है? कंपट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया भी कौन है आप बता सकते हैं? ये गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये जीसी मुर्मू, या समझिए या गिरीश चंद्र मुर्मू, ये हमारे भारत के कह गए। ये सवाल भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो आप ये ध्यान रखें कि अभी जिस समय आप एग्जाम दीजिएगा उस समय के आप कैग देख लीजिएगा, उस समय के आप अटॉर्नी जनरल देख लीजिएगा, उस समय के मुख्य चुनाव आयुक्त देख लीजिएगा, सब कुछ देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए कैग का नियुक्ति करता है मुख्य चुनाव आयुक्त। अच्छा ये चुनाव आयुक्त क्या होता है? जैसे आप चुनाव आयोग सुने हैं, चुनाव आयोग सुनते निर्वाचन जो करवाता है, सारा इलेक्शन जो भी होते हैं, जितने इलेक्शन होते हैं ये सारे इलेक्शन करवाने का जिम्मेदारी होता है ये हमारे चुनाव आयोग द्वारा, इलेक्टोरल सॉरी जो हमारे इलेक्शन कमीशन द्वारा, ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो होते हैं यही सारे सारे इलेक्शन करवाते हैं। तो उसके एक मेन हेड होता है, उसको बोलते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं सर, इनकी भी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। देख लीजिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति, महान्यायवादी की नियुक्ति, कैग की नियुक्ति, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति और जो भी अन्य इलेक्शन कमीशन उसकी नियुक्ति। अब हमारा यूपीएससी का भी नियुक्ति करता है। यूपीएससी के जो मेन अध्यक्ष होते हैं और उनके जो मेंबर होते हैं, यूपीएससी क्या है कि एग्जाम लेने वाली संस्था, ये विभिन्न तरह का एग्जाम लेती है जो लोक सेवा आयोग में उनके, जैसे कि आईएएस हो गए, आईपीएस हो गए, ये सब का एग्जाम कौन लेता है? यूपीएससी लेता है। तो यूपीएससी जो एग्जाम लेता है उसके, यूपीएससी जो एक संस्था है, यूपीएससी क्या हमारा एक आप समझ लीजिए तो ऑल इंडिया संघ है, अखिल भारतीय संघ एक तरह समझ लीजिए, ऑल इंडिया सर्विस एक तरह समझ लीजिए। तो ऑल इंडिया सर्विस है, पूरे देश के लिए एक ही सर्विस है। तो उसके अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? तो उसके अध्यक्ष भी हमारे, उसके अध्यक्ष की सॉरी अध्यक्ष नहीं, उसके अध्यक्ष और सदस्यों की भी नियुक्ति कर देंगे। तो राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के पास इतने नियुक्ति करने के अधिकार है। यहां तक क्लियर होगा आप लोगों को किन कौन का नियुक्ति करता, तो आपके एग्जाम में अगर आए इनका नियुक्ति कौन करता है, इसका नियुक्ति कौन करता है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है, जरा सा भी परेशान नहीं होना। ओके, अब राज्य के राज्यपालों, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों आदि की नियुक्ति करता है। राज्य के जितने राज्यपाल, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है भैया? जितने भी राज्यपाल देख रहे हैं सब अपॉइंट किया गया, नियुक्ति किया गया महान्यायवादी। देखिए नियुक्ति और चुना और ये जो हमारे बात करते हैं चुना हुआ, इसमें बहुत इलेक्टेड एंड अपॉइंटेड में बहुत फर्क है। नियुक्ति मतलब किसी को भी वो नियुक्त कर दिया, चलिए हम आपको नियुक्ति कर दें। इलेक्शन क्या होता है, चुने जाते हैं लोगों द्वारा, वोट के थ्रू आए हैं वो इलेक्टेड होते हैं। लेकिन नियुक्ति है कि एक आदमी को अपने आगे किया कि ये बनेगा प्रधानमंत्री, ये तो उसकी क्या कर देगा, वो नियुक्ति करते हैं, ठीक है, अपॉइंटमेंट देते हैं कि आप हमारे राज्यपाल बन गए, आप यहाँ के प्रधानमंत्री बन गए, जैसे इस तरह से। ओके, वित्त आयोग होता है, वित्त आयोग की चर्चा तो स्वास्थ्य में आपको पता होगा। तो फाइनेंस कमीशन होता है, जो हमारे फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते हैं, फाइनेंस कमीशन होते हैं, वित्त आयोग होते हैं, उनके भी अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति कितना कितना का नियुक्ति करता है भैया, ये आप ध्यान रखिए। वह केंद्र के प्रशासनिक कार्य और विधायिका के प्रस्तावों के संबंधित मांग प्रधानमंत्री से कर, देखिए प्रधानमंत्री से जरूरत पड़े उसको कि जो सेंट्रल लेवल पर जो काम हो रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम हो रहा है
और जो लेजिस्लेचर का जो काम हो रहा है, विधायिका का जो काम हो रहा है, उसके बारे में जानकारी भी मांग सकता है प्रधानमंत्री से, और प्रधानमंत्री उसको जानकारी देते भी हैं। प्रधानमंत्री से हमेशा सलाह भी लेते रहते हैं कि आगे क्या करना है। तो मैंने पहले बता दिया इसके बारे में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी इनके एडवाइस के लिए है, इनके साथ कॉपरेशन होकर काम कर रहे हैं। ठीक है, राज्यपाल समझ गए हैं भैया। अब एक होता है उपराज्यपाल के बारे में चर्चा है, राज्यपाल का अनुच्छेद 155 है। ये सारे अनुच्छेद के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना। ठीक है, थोड़ा सा भी परेशान नहीं होना है जब हमें। ठीक है, ओके, थक जाते हैं यार बोलते बोलते। देखो अब देखिए क्या है, अब जैसे क्या हुआ कि जो जितने भी हम देख रहे हैं कि ये हमारे पांडेचेरी, दिल्ली हमारे, ये सब कौन से केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए मैं आगे बताता हूं आपको। तो यहां लिखा हुआ स्वयं द्वारा नियुक्त, वो खुद के द्वारा जिनको नियुक्त करते हैं प्रशासक के द्वारा केंद्र शासित राज्य। देखिए केंद्र शासित जो राज्य हैं, जिसको बोलते हैं यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। यूनियन टेरिटरी क्यों बोलते हैं, केंद्र के द्वारा वहां पे शासन होता है, वहां पे राष्ट्रपति के द्वारा शासन होता है। तो वहां राष्ट्रपति एक अपॉइंट करते हैं, प्रशासक का अपॉइंट करते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर का, जैसे कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करते हैं, जो आप समझते हैं उपराज्यपाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर। जैसे कि हम देखते हैं कि लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में, ये सब लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाते हैं, हमारे दिल्ली में, पांडेचेरी में। तो एक बात यहाँ पे आता है कि दिल्ली और पांडेचेरी में तो मुख्यमंत्री भी है, सॉरी दिल्ली और पांडेचेरी में तो विधानसभा भी है। तो विधानसभा है और दिल्ली में मुख्यमंत्री है। तो अभी देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करते हैं राज्यपाल करते हैं, ये आप ध्यान रखें। लेकिन जो दिल्ली और पांडेचेरी, यहाँ के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति, क्योंकि ये केंद्र शासित प्रदेश है। यहां तक कि आपका क्लियर, यहां तक कि आपका क्लियर होगा। अब देखिए एससी एसटी जो कमीशन होता है, एससी एसटी ओबीसी ये सबके लिए जो कमीशन होता है, महिला आयोग, ये सब का जो आयोग होता है, सबका आयोग, इस सब सबके आयोग का नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता सारा आयोग किन के द्वारा बनाया गया है। तो इन सारे आयोगों की चर्चा हम आगे भी करने वाले हैं, सारे आयोग किसके नियुक्ति किया गया, किन के द्वारा किया गया है, तो हमारे राष्ट्रपति के अंदर। राष्ट्रपति इंटर स्टेट काउंसिल की भी, इंटर स्टेट काउंसिल भी बनाते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल। तो इंटर स्टेट काउंसिल क्या होता है, दो राज्यों के बीच में सहयोग के लिए अंतर राज्य परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल, इसकी भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते। तो राष्ट्रपति किनका किनका नियुक्ति करते हैं आप तो समझ चुके हैं, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हो गए, एससी एसटी कमीशन, ओबीसी कमीशन हो गए, कैग हो गए, हमारे महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल हो गए, और भी इलेक्शन कमीशन हो गए, मंत्रिपरिषद हो गया, बहुत सारा का, ये सबका, जैसे कि मानवाधिकार आयोग हो गया, ये सबका नियुक्ति करते हैं हमारे राष्ट्रपति। आगे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की भी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, सबका नियुक्ति कौन करते हैं, हमारे राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति होता है, अपॉइंटमेंट दिया जाता है कि आपको जज बना दिया गया। ये अपॉइंटमेंट कौन देंगे, राष्ट्रपति साइन कर देंगे कि आप जज बन गए। ठीक है, रिकमेंडेशन भले ही कोई करे, रिकमेंडेशन उसे करने के लिए बनता है, उनके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंच बनता है, जो भी चीजें बनती होगी वो हमारे आगे पढ़ेंगे, तो वो चीजें बनती है, उसके बाद फिर उसमें से चुनाता है कि इनको जज बनाया जाए, इनको चीफ जज बनाया जाए। तो इस तरह से सबको करना नियुक्ति, नियुक्ति आखिर लास्ट में किसको करना है, तो राष्ट्रपति को। यहां तक के क्लियर हो गया भाई, हम आगे चल सकते हैं, आगे चलते हैं। अब पढ़ने वाले हैं हम विधायी शक्तियां, मतलब ये राष्ट्रपति के पास लेजिस्लेचर पावर क्या, लेजिस्लेचर क्या, उनका लेजिस्लेटिव शक्ति क्या है, इसकी अगर हम चर्चा करते हैं तो हम देखेंगे। देखिए क्या लेजिस्लेटिव पावर, देखिए जो 52 से 78 तक आपने देखा वो सब कार्यपालिका के बारे में पढ़ा आपने। ठीक है, 52 से 78 के बीच में सब कार्यपालिका के बारे में, प्रधानमंत्री कार्यपालिका के अंदर आता है। अब हम पढ़ेंगे विधायिका, विधायिका लेजिस्लेचर पावर के बारे में। अगर हम जैसे ही देखते हैं कि 79 में बोला है कि संसद होगा, अच्छा संसद होगा, ये पार्लियामेंट के बारे में बोला है 79 में। ठीक है, उस तरह से 81 देखें लोकसभा राज्यसभा की बात की गई है। तो पहले आपको देखना है कि ये जो राष्ट्रपति हैं इनके विधायिका शक्तियां क्या, वो तो हम आगे चर्चा करेंगे आगे। जब अभी तो हमने कितने अनुच्छेद तक किया, 61 अनुच्छेद तक किया, हम देखेंगे 62 अनुच्छेद 63 देखेंगे, जब हमने पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पढ़ेंगे तो 62 63 64 जो भी आगे अनुच्छेद पढ़ेंगे, फिर आगे जाते जाते फिर हम सारे अनुच्छेद को चर्चा करेंगे। तो अनुच्छेद की तो आपको टेंशन लेना है नहीं, अनुच्छेद तो मैं आपको सारा अनुच्छेद आपको आपके टंग पे, आपके मुंह पे रख दूंगा कि आप जब भी कोई पूछ दे कि आर्टिकल बताओ 79, आप एक बार में उत्तर दीजिएगा। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना भाई लोग,
हम आपके लिए यहाँ पे हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे तो देखिए लोकसभा होता है संसद में, राज्यसभा होता है। तो लोग देखिए संसद के अगर अंग की बात करें, यहां पर भी एक जीके बनता है, ये सवाल बहुत बार लोगों ने गलत भी किया है कि संसद के कितने अंग हैं, संसद के कितने अंग हैं, बॉडीज कितने हैं। तो लोकसभा एंड राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये संसद के पार्ट हैं, ये संसद के अंग हैं। कहने का मतलब तो ये तीनों मिला के संसद बोल सकते हैं कि संसद के तीन अंग लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट। अब तो आप लोग बोल रहे हैं कि अरे यार लोकसभा राज्यसभा दो तो होता है संसद का अंग, तो भैया ये दो होता है ना, ये सदन होता है, सदन हाउस। हाउ मेनी हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, तो लोकसभा एंड द राज्यसभा आर द टू हाउसेज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, ये बोल सकते हो। अदरवाइज अगर पूछेगा हाउ मेनी बॉडीज ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, लोकसभा राज्यसभा एंड द प्रेसिडेंट आर द थ्री बॉडीज ऑफ द पार्लियामेंट, ये बोल सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हाउस हो गया, ये हमारा अंग हो गया। यहां तक आपका क्लियर होगा भाई लोग, कोई दिक्कत किन्हीं को नहीं होगा। तो हाउस में आपका आएगा तो लोकसभा राज्यसभा, रहने वाला दो ये हो ना, लोकसभा राज्यसभा दो घर के समान है। प्रेसिडेंट तो यार ये एक तरह से हमारे सजीव वस्तु आ गए, कहने का मतलब ये तो मनुष्य हो गए, तो ये अंग के अंदर आएंगे, और जो हाउस हो जाएंगे वो लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। अब देखिए जितने भी आपने अभी तक जितने भी एक्ट बना, जितने भी कानून बने, आपको पता होगा जितने भी कानून बनते हैं तो पहले इसका बिल लाया जाता है, बिल, ये बिल जाता है लोकसभा राज्यसभा, ये दोनों के पास होने के बाद जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के बिना हस्ताक्षर, राष्ट्रपति के बिना साइन के ये बिल पास नहीं हो सकता है, ये आपने आपको पता होगा, ठीक है। तो ये देखिए लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति हाउस, ये समझ सके, राष्ट्रपति का जब तक के हस्ताक्षर नहीं होगा, राष्ट्रपति जब तक इस पर सहमति नहीं देंगे, कोई भी बिल कानून नहीं बन सकता, ये ध्यान रखिएगा। पहले जाता था बिल रहता है, उसको बाद में बोलते हैं कानून, मतलब विधेयक, पहले क्या रहता है विधेयक, बाद में क्या बनता है एक्ट या कानून, ये आप ध्यान रखिएगा 100%, ठीक है। तो ये देखिए ये बोलता है आगे, देखिए देखिए तो आगे क्या है, देखिए अनुच्छेद 99 क्या बोलता है कि जितने भी संसद के सदस्य हैं इन सबको शपथ कौन दिलवाएगा, राष्ट्रपति। संसद के सदस्य जो हैं, जितने भी संसद के सदस्य हैं सबको शपथ कौन दिलवाता है, तो हमारे राष्ट्रपति दिलवाते हैं शपथ, ये पता रहना चाहिए। लेकिन कभी आपने देखा, आपने जब देखते होंगे कि नया नया इलेक्शन होता है तो लोकसभा, फिर जब चुनाव हमारा जब रिजल्ट आता है तो लोकसभा जब हमारा होता है स्टार्टिंग, तो कभी देखें कि उसमें राष्ट्रपति प्रेजेंट है, राष्ट्रपति शपथ दिलवा रहे हैं, उनके सामने से कोई शपथ ले रहा नहीं, क्यों, देखिए है इनका दिलवाने का, लेकिन ये क्या करते हैं अपने द्वारा एक प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करते हैं, प्रोटेम स्पीकर। ये सारे टर्म के बारे में आगे चर्चा करेंगे तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि प्रोटेम स्पीकर अब क्या हुआ। देखिए प्रोटेम स्पीकर होता है कि जो जितने भी सदस्य आए लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, जो भी हम बात करें आपको कि लोकसभा के अंदर बहुत सारे आएंगे, जितने सीट रहेंगे सब तो आएंगे, तो इनमें से सबसे जो सीनियर होगा, सबसे जो बुजुर्ग होंगे, सीनियर को ये चुनेंगे, मतलब उन लोग बताएं कि इनको बना दिया जाए, प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाए, तो राष्ट्रपति के सामने ये राष्ट्रपति इनको नियुक्ति करेंगे, राष्ट्रपति बोलेंगे हाँ भाई तुमको हम प्रोटेम स्पीकर बना रहे हैं, और इसको शपथ भी दिलवा देते हैं, इसको शपथ भी दिलवाते हैं राष्ट्रपति। और उसके बाद जितने भी सदस्य आप देख रहे होंगे, जितने भी, सबको शपथ कौन दिलवाएगा, प्रोटेम स्पीकर। ये बहुत ही बड़ा चीज है कि राज्यसभा के संसद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करवाता है, अगर ऑप्शन में राष्ट्रपति नहीं है भैया तो प्रोटेम स्पीकर ही मारिएगा, ये आप लोग क्लियर हो गया, चले आगे चलते हैं, ओके। वह संसद की बैठक बुला सकता है अथवा कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, वो जब मन होगा तो वो संसद की बैठक को बुला सकता है कि संसद जितने भी लोकसभा राज्यसभा के अंदर में जो संसद है उन सबको बैठक में बुला सकता है अगर कोई दिक्कत हो, और कुछ समय के लिए रोक भी सकता है संसद को, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, और लोकसभा को विघटित कर सकता है, ये पावर किन के पास है, तो राष्ट्रपति। लोकसभा विघटित करना मतलब क्या हुआ,
जैसे ही नया इलेक्शन होता है, होने वाला होता है, तो पुराने जो लोकसभा उनको भंग कर दिया था, उनको विघटित कर दिया था कि जितने भी अब नया बनेगा तो नए मंत्री बनेंगे, तो जो पुराने मंत्रिमंडल हैं, पुराने पूरे लोकसभा को ही भंग कर दिया था। क्योंकि देखिए, अब हो सकता है कि जो जितने भी सीट थे, जितने भी चुनाव में खड़े थे, अब उन लोग फिर से खड़ा होते हैं, पूरे उन लोग हारते थे, फिर नए नए लोग आएंगे ना, तो इस तरह से लोकसभा को एक तरह से पूरा पूरी भंग कर दिया था और फिर से नया सब कुछ स्टार्ट होता है। अब है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन, देखिए जब भी लोकसभा राज्यसभा के बीच में कोई दिक्कत हो, लोकसभा राज्यसभा के बीच में कोई दिक्कत हो तो दोनों को संयुक्त अधिवेशन बुलाता है, ज्वाइंट, देखिए तो ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जिसको बोलते हैं ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है, तो राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत, और उसके अध्यक्ष कौन बनेंगे, तो लोकसभा के अध्यक्ष। ये पूछता है कि ज्वाइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट है, उनके अध्यक्ष कौन होते, लोकसभा के अध्यक्ष, ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष ही उनके अध्यक्ष बनते हैं लोकसभा राज्यसभा के दोनों के संयुक्त अधिवेशन का। ये सब सवाल एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत बार रिपीटेशन हुआ है सवालों को, तो आपको डरना नहीं है भाई, डरना नहीं है। क्या करना है आपको, एकदम क्लियर करना है, सब कुछ को क्लियर करना, तो आप लोग परेशान नहीं होना है, आप लोग को जरा सा भी परेशान नहीं होना, ठीक है। और प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन, देखिए हमेशा जब भी नया नया चुनाव होगा, और नया नया चुनाव होगा तो जो पहला जो अधिवेशन होगा उसको संबोधित कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति, उसको संबोधित कौन करेंगे, तो राष्ट्रपति। और हर साल है, जैसे कि हैप्पी न्यू ईयर आएगा, नया न्यू ईयर आएगा, और जो अधिवेशन प्रथम जो अधिवेशन होने वाला, चाहे जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च, कभी भी अधिवेशन हो, तो उसकी, उसको संबोधित कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति करते हैं। तो राष्ट्रपति का पावर आप देख रहे हैं कितने पावर है, सारे को आपको ध्यान रखना, ओके। अगर संसद के अंदर, संसद में बहुत दिन से कोई बिल पड़ा है तो उसको क्या बोलता है कि संसद को बोलेगा कि आप ये बिल को आप इतने दिन से पेंडिंग क्यों रखे हैं, इस पेंडिंग लंबित क्यों रखे हैं, ठीक है। ये सब चीजें हो गई। और क्या है, यदि लोकसभा के अध्यक्ष, अब देखिए लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं उसको बोलते हैं क्या, अध्यक्ष बोलते हैं, पता होगा, लोकसभा के स्पीकर ही अध्यक्ष बोलते हैं, और अगर अध्यक्ष जी नहीं रहेंगे तो लोकसभा के अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष दोनों नहीं रहना है तो क्या होगा, कोई तो चाहिए ना, तो राष्ट्रपति किसी को भी चुन सकता है और उसको अध्यक्षता, मतलब कोई भी सदस्य जो है लोकसभा के अंदर, और लोकसभा सदस्य को चुन के उसको सदस्यता दे देगा, ठीक है। और इसी प्रकार राज्यसभा में भी नहीं रहेगा तो राज्यसभा के किसी सदस्य को उसकी अध्यक्षता को सौंप देता है कि आप अध्यक्ष बनिए, कुछ दिन तक संभालिए लोकसभा, ठीक है। अब है हमारे लोकसभा में 2, राज्यसभा में 12 लोगों की नियुक्ति करते हैं कौन, सॉरी ब्रो, ये कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति। ये ध्यान रखिए, राज्यसभा उच्च सदन है, उच्च सदन कौन है, राज्यसभा, राज्यसभा से उच्च सदन में माना जाता है, तो राज्यसभा में 12 सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति, और लोकसभा में 2 सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। 543 पे चुनाव होता है, 233 पे चुनाव होता है, ये आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए, और क्लियर हो गया होगा, ओके। चलिए यहां तक क्लियर है भैया, यहां तक क्लियर है भाई, सब लोग आप लोग का यहां तक आप लोग का क्लियर हो। देखिए यहां के बाद हम पढ़ेंगे, ये बोला गया क्या कि देखिए जो ये 12 सदस्यों का नामांकन कर, मतलब नियुक्ति जो करते, सॉरी, जो मनोनीत करते हैं, नियुक्ति नहीं, मनोनीत। अब देखिए नियुक्ति मनोनीत भी अलग है, मनोनीत मतलब सर जो, जैसे कि मनोनीत करने का मतलब ये हुआ कि वो, जैसे कि राष्ट्रपति को लगे कि ये आदमी को हम राज्यसभा का सदस्य दे दें तो उसको हम सदस्यता ग्रहण करवाते हैं, ठीक है। देखिए वह साहित्य, विज्ञान, कला व समाज सेवा से जुड़े और जानकार व्यक्तियों में से 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। अब देखिए कि कोई खेल में बहुत अच्छा काम कर रहा है तो ऐसा किया जाता है कि उसको राज्यसभा का सदस्य बना दे, जैसे कि हम देखते हैं सचिन तेंदुलकर भी, वो भी राज्यसभा के सदस्य हैं, ठीक है, वो राज्यसभा के MPs हैं आप बोल सकते हैं। और भी बहुत सारे जो कुछ संगीत में हैं, कुछ लोग साहित्य में, विज्ञान में बहुत ज्यादा मतलब देश को योगदान दे रहे हैं, उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं, तो उन लोगों को राज्यसभा की सदस्य बना दिया जाता है, राज्यसभा का MP बना दिया जाता है, उन्हें मनोनीत कर दिया जाता है, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए ये आपने जो, ये तो 245, देखिए राज्यसभा की अधिकतम सीट कितनी है, 250, तो 245 पे आपका चुनाव होता है, उसमें से 12 को मनोनीत कर लेते हैं, 245 जो सीटें हैं ये कुल सीटें हैं, कितना ही सीट होता है राज्यसभा के अंदर, तो अधिकतम 250 है, तो 233 जो सीट है इसमें क्या होता है, चुनाव होता है,
12 क्या करते हैं, राष्ट्रपति चुनते हैं कला साहित्य विज्ञान ये सबके क्षेत्र से, यहां तक के लिए। अब जो राज्यसभा लोकसभा होता है उसमें 552 सीट होता है अधिकतम सीटों की संख्या, जो मैक्सिमम सीट है जो 552 से एक सीट नहीं है, 552 सीट, लेकिन देखते हैं 545 सीट है जो कुल सीट बोला जाता है, इतना सीट रहते हैं 545 विधायक हो जाएंगे सॉरी एमपी हो जाएंगे, और इसमें से 543 पर ही चुनाव होता है, तो दो कहां गए, तो ये दो को राज दो को बोलते हैं एंग्लो इंडियन, ये दो सीट एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व होते हैं और इनमें इनको मनोनीत करते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति। तो कुल मिला के पूरे सदन में, पूरे सदन में भारत के राष्ट्रपति 14 लोगों को मनोनीत करते हैं, 12 राज्यसभा से और 2 लोकसभा से। ये सवाल बहुत बार पूछा है, एंग्लो इंडियन किसको बोलते हैं, जिनकी माता, ऐसे व्यक्ति जिनकी माँ भारतीय है लेकिन पिता उनके यूरोप से हैं, तो उनको एंग्लो इंडियन बोला गया। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो ऐसा लगता है राष्ट्रपति को, हमारे ऐसा राष्ट्रपति को लगता है, संविधान में ऐसा दिया भी गया है कि उनको ऐसा फील ना हो कि हमारा जनसंख्या कम है तो हमारा कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है, हमारा कोई लीड ही नहीं है हमारे पूरे संसद के अंदर, तो इसलिए संसद के अंदर ये 2 लोगों को चुना जाता है हमारे लोकसभा के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, ओके आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखिए अब हम देखने वाले हैं, देखिए अब आगे हम देखने वाले हैं बिट्टो पावर। देखिए जो हमारे राष्ट्रपति हैं इनके पास बिट्टो पावर, ये ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के पास एक बिट्टो शक्ति है। ये बिट्टो पावर क्या होता है इसकी हम बात करेंगे, अच्छे से करेंगे भाई, आप लोग समझिए इसकी चर्चा हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं कि जो राज्यसभा है इनके बिट्टो पावर क्या होते हैं। तो बिट्टो पावर, संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक, देखिए जितने भी बिल्स आते हैं राज्यसभा लोकसभा, बिल को मतलब विधेयक ही बोलते हैं, ये दोनों ने पारित कर दिया, मतलब कहने का तो पास कर दिया, हाँ चलो हम इस पे सहमति देते ये सही है, हम सहमति देते ये सही है, ठीक है ये चीज कर दिया, लेकिन वो जब तक राष्ट्रपति जाएगा राष्ट्रपति के पास प्रेसिडेंट के पास, जब तक प्रेसिडेंट इस पे कंसेंट इस पे सहमति ना दे साइन ना करे तो बिल तो नहीं बनेगा, ये पता है, लेकिन जब उनके पास ये आता है तो ये संविधान के अनुच्छेद 111 के अंतर्गत 3 विकल्प है, अनुच्छेद 111 में कितना एक है, 3-1 है, तो 3 विकल्प, ये यहां से आप ध्यान सकते हैं, इनके पास 3 विकल्प होता है, 3 बिट्टो पावर है, उनका मन होगा कि हम इस पे नहीं देंगे, वो सीधे मना कर देगा ये हम बिल पास नहीं करेंगे। दूसरा क्या कर सकते हैं, वो बोलेंगे कि इसको इसमें कुछ सुधार लाओ और इसको वापस भेज देता है कि इसमें कुछ चेंजिंग करके लाइए, हाँ अगर वो चेंजिंग करके भेज दिया वापस भेज दे फिर चेंजिंग करके, अगर चेंजिंग करके वो यहाँ पे भेज दिया गया तो क्या होगा हमारा, थोड़ा सा आप लोग कॉल आ रहा है यार, चलिए तो अगर वो जैसे कि बिल को वापस लौटाया, क्या कर दिया गया बिल को वापस लौटा दिया गया और इस बिल में फिर से कुछ चेंजिंग करके संसद फिर से हमारा भेज देता है राष्ट्रपति के पास, तो फिर राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा, ये ध्यान रखिए ठीक है, क्योंकि आपने जो चीजें आपने बोली कि इसमें ये प्रॉब्लम है मैंने वो सुधार किया तो आपको तो साइन करना पड़ेगा। अब तीसरा उनके पास क्या है, उनका मन है कि हम जवाब देंगे ही नहीं, वो शांत मौन हो गए साइलेंट हो गए, वो उनका मन होगा तो उत्तर देंगे या नहीं देंगे, वो उस पर सहमति देंगे या सहमति नहीं देंगे ये बताएंगे भी नहीं, ये पॉकेट बिट्टो इसको बोलते हैं, वो अपने पॉकेट के अंदर रख लिए कि भैया हम देंगे या नहीं देंगे इसमें कोई गारंटी नहीं है। चलिए ये हुआ, वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, स्वीकृति सुरक्षित रह सकता है, और ये देख ये ध्यान रखिए जो वापस लौटाने वाला है ना ये धन विधेयक में काम नहीं करता, जब राष्ट्रपति के पास धन विधेयक आएगा मनी बिल आएगा, तो मनी बिल जब भी राष्ट्रपति के पास आएगा तो उसको राष्ट्रपति वापस नहीं लौटा सकता है, राष्ट्रपति को साइन करना पड़ेगा। हम देखें कितने तरह के विधेयक होते हैं, कितने तरह के बिल होते हैं, सब देखेंगे, धन विधेयक क्या होता है, हमारा फाइनेंशियल बिल क्या होता है, मनी बिल, सब वित्त विधेयक क्या होता है, सब कुछ देखेंगे, आपको परेशान नहीं होना। आगे चलते हैं, ये तीनों बिट्टो पावर के बारे में बात करेंगे, तो देखिए तीन बिट्टो पावर हैं, तो तीन बिट्टो पावर में एक पहला बिट्टो पावर हमारा अंत्यांतिक बिट्टो, अब्सोल्यूट बिट्टो, ओके, तो राष्ट्रपति के पास जो पहला बिट्टो है ये एब्सोल्यूट बिट्टो, एब्सोल्यूट बिट्टो कहने का मतलब ये हो गया
राष्ट्रपति बोल देगा कि हम एकदम नो, राष्ट्रपति ने क्या कर दिया नो, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वीटो, अत्यंतिक अतिकांत कर दिया, अंत कर दिया इस बिल को, विधेयक को खत्म कर दिया। तो क्या होता है जब राष्ट्रपति सहमति नहीं देता है तो ये बिल क्या होता है भैया, ये बिल हमारा समाप्त हो जाता है और आगे जाके ये एक्ट नहीं बन पाता। अब ये कौन, ये जो वीटो है एब्सोल्यूट वीटो, अब देखिए आप करेंगे इतना डिटेल क्यों पढ़ रहे, तो एब्सोल्यूट वीटो से सवाल आते हैं, वीटो से सवाल आते हैं भाई कि कौन से वीटो का क्या यूज है, कौन से वीटो में क्या चीज है, ये आप समझिए। अत्यंतिक वीटो मतलब राष्ट्रपति डायरेक्टली मना कर देगा, राष्ट्रपति उस विधायक को मतलब उस विधेयक को उस बिल्स को डायरेक्टली मना कर देगा। ये कहां यूज कर सकता है राष्ट्रपति, जब गैर सरकारी सदस्यों से विधेयक, सॉरी, जब गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक संबंध में, देखिए मतलब कहने का मतलब एक सरकारी सदस्य होता है गैर सरकारी सदस्य, अब दोनों में क्या अंतर है, जो सदस्य जो जो एमपी या जो एमएलए होते हैं, जो एमपी होते हैं, जो एमपी कोई मंत्री है कैबिनेट के अंदर मंत्री है, वो विधेयक प्रस्तुत कर रहा है, वो बिल्स कोई पेश कर रहा है तो सरकारी हो गया, और जो मंत्री मंत्री नहीं है बस वो एमपी है, वो मंत्री में मंत्रिमंडल के अंदर में नहीं है तो वो गैर सरकारी सदस्य बोलते हैं। तो उनके द्वारा अगर विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो उस पर राष्ट्रपति ऐसा कर सकता है, ये ऐसा एब्सोल्यूट वीटो का उपयोग कर लेते हैं कि सही नहीं होगी, ठीक है। और फिर जब सरकारी जब मंत्रिमंडल, आप जैसे कि कोई विधेयक पास हो गया और मंत्रिमंडल त्याग पत्र दे दे, कोई विधेयक को लाया गया लोकसभा राज्यसभा पास हुआ और उसका जो कैबिनेट मंत्रिमंडल ही पूरा त्याग पत्र दे दे, तब उस केस में क्या करेगा, जब जो लोगों ने इस विधेयक को लाया, जो लोगों ने इस विधेयक को लाया जो पास किए और वही लोग अगर त्याग पत्र दे रहे हैं तो इस विधेयक को क्या करेगा, इस विधेयक को नहीं, ये राष्ट्रपति सहमति नहीं देगा, कानून नहीं बन पाएगा। और ये क्या बोला है कि मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर सहमति न देने की सलाह दे, अगर राष्ट्रपति ऐसा बोल दे, अगर मंत्रिमंडल, मैंने क्या बोला, प्रधान हमारा जो राष्ट्रपति है वो मंत्रिमंडल के सलाह पर ही काम करता है, पहला बात। तो जब राष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति को ऐसा बोला जाए, मंत्रिमंडल कैबिनेट मिनिस्टर बोले, कैबिनेट बोले कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोले कि इस बिल को पास नहीं करिए, इस पे सहमति नहीं दीजिए, तो क्या कर देगा, बात खत्म, क्या हो जाएगा उस पे डायरेक्ट अत्यंतिक एब्सोल्यूट वीटो का इस्तेमाल करेगा और खत्म कर देगा। ओके आगे, निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशन वीटो, मैंने अभी इसी की बात कर रहा था, ये मतलब ये हो गया ना कि जो भी बिल आया इनके पास, जो विधेयक आया उनको पुनर्विचार के लिए लेटर होता है, पुनर्विचार मतलब फिर से इसको देखिए, रिव्यू करिए और देखिए। लेकिन यदि संसद उस विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना अथवा संशोधन के साथ, देखिए हम जैसे मान लेते हैं आप राष्ट्रपति, आपके पास मैं ये विधेयक लेके बिल्स लेके गया, आपको इसमें लगा कि नहीं इस बिल को आप फिर से बोल दिए कि चलिए इस पर आप पुनः विचार कर लीजिए कि इसके अंदर जो चीजें सही है, आप लौटा दिए, आपने अगर लौटा दिया, हम देखेंगे कि राष्ट्रपति जो विधेयक बिल्स आता है उसको कितने दिन के अंदर लौटाना होता है। अभी हम क्या राष्ट्रपति की पावर के बारे में बात करें, हम बात करें बिल पढ़ेंगे कि कितने विधेयक क्या होते हैं, कैसे कानून बनता है, वहां पे हम देखेंगे कितने दिनों के अंदर लौटाना होता है, कितने दिनों के अंदर फिर भेजना होता है, सब देखेंगे, परेशान ना होइए। तो लौटा दिया और अगर संसद उसमें फिर कुछ संशोधन किया, कुछ उसमें मतलब बढ़ाया घटाया छाटा काटा छाटा या नहीं किया, उसके बाद दोबारा अगर भेज दिया ना, तो उसको राष्ट्रपति बाध्यकारी है, राष्ट्रपति को फोर्सिएबल, राष्ट्रपति इनफोर्सिएबल है कि राष्ट्रपति को फिर देना पड़ेगा स्वीकृति, राष्ट्रपति को सहमति देना पड़ेगा उस बिल के ऊपर, ठीक है। इसका अर्थ है राष्ट्रपति इस बिटो को, राष्ट्रपति की इस बिटो को साधारण बहुमत से फिर से, मतलब कहने का तो ये हुआ जो निलंबनकारी बिटो है, सस्पेंशन बिटो है, इसको एक साधारण बहुमत के द्वारा ही खत्म कर दिया जा सकता है, ऐसा समझे, साधारण बहुमत ही अगर, मगर कुछ लोग कुछ विधायक अगर इस अगर बोल दे कि नहीं फिर इस बिल को फिर से भेज दिया जाए राष्ट्रपति के पास, समझ लीजिए कि, तो अगर बिल को पास वापस भेज दिया गया, बिल संसद से फिर से राष्ट्रपति के पास आ गया, तो समझ लीजिए क्या होगा भैया, इसको राष्ट्रपति को मतलब एग्री करना पड़ेगा, कंसेंट देना पड़ेगा, स्वीकृति देना पड़ेगा। ओके, अब यह कि धन विधेयक में इसका उपयोग नहीं कर सकते, मैंने बताया आपको अभी कि धन विधेयक में इसका प्रयोग नहीं कर सकते, तो मनी बिल में ये पूछेगा कि किस बिल में सस्पेंशन वीटो का उपयोग नहीं कर सकते, तो मनी बिल में यूज नहीं कर सकते। ओके, क्योंकि देखिए जो मनी बिल है ना, जो मनी बिल है वो बिल राष्ट्रपति से पूछ के ही लाया जाता है, तो जब राष्ट्रपति शुरू में ही जब स्वीकृति दे दिया है तो बाद में फिर क्यों वापस लौटाइएगा, नहीं लौटाइए आपको फिर, तो आपको साइन करना ही पड़ेगा, आपसे हम पूछ के काम कर रहे हैं, फिर आप बोलेगा नहीं काम खराब किए आप, तो गलत बात है ना, जब आपने आपसे पूछ के काम किया, आपको सहमति लेके काम किए, तो समझ लीजिए कि ये चीज आपको फिर से दोबारा उसको साइन करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये पॉकेट वीटो, ये पॉकेट वीटो क्या हुआ कि पॉकेट में रख लिया, जेब वीटो के नाम से प्रसिद्ध है,
कि पॉकेट में रख दिया, हमको इस पे कोई निर्णय देना ही नहीं है, हम कुछ बोलेंगे ही नहीं, तो क्या ना एग्री है, ना उसको लौटाएगा, ना उसको उस पे सहमति देगा, और ना ही उसको उस पे मत कहने का मतलब ना हाँ में उत्तर देगा, ना में उत्तर देगा, ना ही उसको लौटाएगा, उसको क्या कर लेगा भैया, पैकेट में रख लेगा, मतलब ये मतलब पॉकेट भिट्टो। ये बहुत ही अच्छा है इसके राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति इस विधेयक को बहुत दिनों तक रख सकता है पेंडिंग में। ये ऐसा कोई संविधान के अंदर प्रावधान है ही नहीं कि 10 दिन और 20 दिन के अंदर भेजना है। लेकिन देखिए अमेरिका में क्या है कि 10 दिनों के अंदर अगर पॉकेट वीटो का इस्तेमाल आप किए हैं तो 10 दिनों के भीतर आपको उसको पुनर्विचार के लिए लौटाना पड़ेगा, आपको फिर से उसको भेजना पड़ेगा संसद के अंदर कि इसमें ये चीजें आप सुधार के दीजिए। लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास ज्यादा पावर है पॉकेट वीटो के मामले में, पॉकेट वीटो के मामले में ज्यादा पावर है, इसका मन होगा तो हम लौटाएंगे या ना लौटाएंगे। ओके, तो इस पर निर्णय नहीं दे सकता है राष्ट्रपति, जिसको पॉकेट वीटो माने जाते हैं। ये कभी कभी कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, मतलब कुछ ऐसा बिल पास होने लगे जिससे कि देश को दिक्कत हो, तो उस तरह के बिलों पे डायरेक्टली पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करके खत्म करते हैं। जैसा क्या होता है कि ज्ञानी जैल सिंह जब राष्ट्रपति थे, जिसके समय एक बिल आया था पोस्ट करके, बिल था कुछ करके, ठीक है 1986 की बात है, तो एक पोस्ट ऑफिस का कुछ बिल आया था, उसने बोला था कि जो डाकियां होगा वो लेटर को खोल के देख सकता है, पढ़ सकता है, हो सकता है कि ऐसे लेटर आ जाएंगे जो हमारे देश के खिलाफ भड़काया जा रहा हो, हमारे देश में कुछ आतंकवादी गतिविधियों को किसकी मतलब काम कर रहा हो, ऐसा लेटर तो सारे लेटर को पढ़ सकते हैं सुरक्षा के मामले में। लेकिन ऐसा राष्ट्रपति को लगा कि अगर ऐसा सबका लेटर पढ़ेंगे तो ये तो गलत चीज है, तो राष्ट्रपति ने इस वीटो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया, इस पोस्ट ऑफिस बिल को डायरेक्टली खत्म कर दिया। समझे, आगे चलते हैं। तीन तरह के बिटो, पॉकेट बिटो, अत्यंतिक बिटो और निलंबकारी बिटो, सस्पेंशन बिटो, पॉकेट बिटो एंड हमारे क्या हो गया फर्स्ट वाला अब्सोल्यूट वीटो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आएंगे न्यायिक शक्तियां, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या, इनका जुडिशियल पावर क्या है। तो भैया जुडिशियल पावर यही है कि वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, इनके जो मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होते हैं, उनका नियुक्ति भी करते हैं राष्ट्रपति। साथ ही साथ हाई कोर्ट के भी जो मुख्य न्यायाधीश होंगे और भी अन्य न्यायाधीश, जितने भी अन्य न्यायाधीश हैं, सबका नियुक्ति कौन करता है, हमारे भारत के राष्ट्रपति। देखिए राष्ट्रपति कितना लोग को नियुक्ति कर रहा, समझ लिए ना, यहाँ तक के सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जज होंगे सबका नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 33 जज हैं प्लस में एक और हमारे मुख्य न्यायाधीश, तो टोटल सुप्रीम कोर्ट का क्षमता है जजों का वो 34 न्यायाधीश होते हैं। देखिए पूछेगा कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कितनी है, तो अगर ऑप्शन में 34 है तो 34 मारिए, अगर पूछेगा कि मुख्य न्यायाधीश के अलावा कितनी है तो 33, क्योंकि मुख्य न्यायाधीश को कौन कर लिया। ओके, अब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई भी अगर, जैसे कि अगर कुछ विधि का सलाह लेना है, कोई कानून के प्रति अगर सलाह लेना है, राष्ट्रपति को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उनको सलाह लेना है, तो अनुच्छेद 143 इसके तहत राष्ट्रपति सलाह ले सकता है। ठीक है, इसके प्रति मतलब अनुच्छेद 47 का उपयोग करके बहुत बार राष्ट्रपति ने लिया भी है सलाह, तो मैंने बताया था कि 47 का उपयोग किया था जब बांग्लादेश को कुछ जमीन बांग्लादेश को ट्रांसफर किया जा रहा था, मैंने बताया था। ठीक है, 1960 का बात है, तो 143 अनुच्छेद का यूज करके, अनुच्छेद 47 का यूज करके राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सजेशन लेता है, एडवाइज लेता है, सुप्रीम कोर्ट से विधि पर सलाह लेता है। तो ये समझिए एडवाइज लेने की जो प्रक्रिया है 143 के अंदर, वो सुप्रीम कोर्ट देता है राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति का मन हुआ कि इस जैसे ये सलाह दे दिया कि हाँ पैसा करे, तो जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति मानेगा, राष्ट्रपति को समझ लिया बुझ लिया, अगर मन है तो राष्ट्रपति इसको फॉलो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके, अब राष्ट्रपति के पास है वो बहुत बड़ा पावर है भाई कि वो दोष सिद्धि किसी व्यक्ति के, कोई व्यक्ति अपराध किया, व्यक्ति को सजा हुआ है, तो उस सजा को रोक सकता है, रोकवा सकते हैं राष्ट्रपति, उसको परिवर्तित कर सकते हैं, सजा को कम कर सकते हैं, सजा को माफ कर सकते हैं, अगर किन्हीं को फांसी सजा तो उसको भी माफ कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा कि कितने तरह के सजाएं हैं और किस किस तरह से राष्ट्रपति को कैसे कैसे माफ करता है, ये सब पावर है। कहने का मतलब अनुच्छेद 71 में दिया गया है क्षमा दान की शक्ति, राष्ट्रपति किसी भी अपराध को क्षमा दान कर सकता है, अनुच्छेद 71 के तहत किया गया। ठीक है, वो बोला उन सभी मामलों को जिन्हें सजाने से न्यायालय दे, ठीक है ये है। और देखिए सैन्य न्यायालय, सैन्य जो न्यायालय होते हैं जो उसमें भी राष्ट्रपति काम कर सकते हैं, ऐसा मतलब ये समाधान के उपयोग कर सकते हैं, जो केंद्रीय विधियों के विरुद्ध जो अपराध है उसमें कर सकते हैं। मैं सारा का चर्चा करूंगा जब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, इसके बाद जो लेक्चर आने वाला है मेरा, जो कल का लेक्चर आएगा उसमें हम बताने वाले हैं राष्ट्रपति के क्षमादान के बारे में, राष्ट्रपति के
डिप्लोमेटिक पावर, जो कूटनीतिक शक्तियां के बारे में, राष्ट्रपति के इकोनॉमिक पावर के बारे में, सारे पावर की चर्चा करेंगे हम कल। तो कल हमारा राष्ट्रपति का जो पावर है वो खत्म हो जाएगा भाई। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर कर दिया करिए, और साथ में ये हमारा लाइक कर दिया करिए, ठीक है। ये सब चीज बोलने की जरूरत नहीं है भाई, लोग आप समझदार इतना कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त किया जाए। धन्यवाद।